हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो फाइनली मैंने आज ज्वाइन कर लिया। ठीक है, MTS 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझको CDA डिपार्टमेंट मिला हुआ था और उसकी मैं ज्वाइनिंग हो चुकी है मेरी। ठीक है, तो और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ मेरा कैसा कैसा प्रोसीजर रहा और साथ ही क्या क्या हुआ आज पूरे दिन में। तो पूरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सब लोगों की हो जाएगी, प्रक्रिया चालू है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आए, ठीक है, आगरा कैंट उतरे रेलवे स्टेशन। उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लिया तो सीधा अवंती बाई चौराहा आया, तो डायरेक्ट बस जस्ट ही बगल में, हार्डली 50 मीटर होगा चौराहा से। ठीक है, सटा हुआ आया तो कोई आने में परेशानी नहीं हुई। ठीक है, और बस इसके बाद ऑफिस आए तो देखा कि जला तो ऑफिस तो बिल्कुल बाहर से एकदम पुराना, ऐसे झोपड़ी जैसे लगा, बनाते नहीं हैं वैसे ही बना हुआ था। ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजों के ज़माने का ऑफिस बना हुआ था, वैसे ही टीन ईन छवी हुई थी। ठीक है, और बस सफाई फाई कुछ खास नहीं थी, ग्राउंड लेकिन अच्छा था, जगह थी काफ़ी पर्याप्त। तो जो सफाई कर्मचारी था वो लगा हुआ था, हमने पहले लगा कि यार शायद इधर कोई ऑफिस ही ना हो, लिखा तो है, फिर वो कह रहा नहीं यही ऑफिस है। तो फिर अंदर गए, हम अंदर बैठे रहे काफ़ी देर, उससे पूछा कब खुलेगा, तो कह रहे हैं आप बैठो अंदर बैठ जाओ और 9 साढ़े 9 पे खुलेगा, 10 बजे तक आएंगे सब लोग। ठीक है, तो फिर हमने कहा चलो वेट करते हैं, 8 बजे पहुँच गए थे, 2 घंटे वेट किया, फिर ऑर्डर वगैरह थे वो सब लोग आए, फिर इसके बाद डबल ए वो आया, फिर उसके बाद उसको हमने दिया अपना ज्वाइनिंग का, तो उसने बैठा लिया, फिर काफ़ी चीज़ें पूछता रहा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, कहीं जॉब करते थे क्या। तो हमने कहा कुछ नहीं, अभी फर्स्ट ही ज्वाइनिंग है। तो ठीक है बैठो, बैठाया रहा है बढ़िया। अंदर गए तो अंदर का काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था और अच्छे फॉर्मल लोग थे, सब लगभग 80 पास रीजन के थे, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और अच्छा स्टाफ था। उसके बाद फिर हम लोगों ने और सारी बहुत सारे फॉर्म दिए उन्होंने, मतलब नेट पे निकाल के, और पूछा जानकारी कि इधर साइन करो कि कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है आपके नाम पे, और या फिर कोई कहीं जॉब हो या कोई ऐसा कुछ किया हो। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने साइन कराई कई जगह, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट कह रहे लेके आओ, तो पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए उन्होंने वापस से, कहा ठीक है। तो बस इसके बाद सब कुछ उधर से चेक करने के बाद उन्होंने एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया, 2 फाइलें। इसके बाद जो ईडीपी थे, उनके सीनियर थे, उनके पास ले गए, और उधर पे तो भारत का संविधान लिखा हुआ था कि इसमें लिखा हुआ था कि मैं शपथ लेता हूँ भारतीय संविधान की रक्षा करूँगा और इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करूँगा। ठीक है, और इस डिपार्टमेंट पर निष्ठा बना के रखूँगा, ऐसा लिखा हुआ था। तो उस पर पढ़ा, उसको शपथ ले ली, इसके बाद उन्होंने हाथ मिलाया, कह रहे हैं भाई ठीक है, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है ईडीपी डिपार्टमेंट में। तो उस समय बहुत गर्व फील हुआ कि यार ठीक है, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए। बस इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी दिखाओ डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने फिर जो उन्होंने चेक किए डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स सब रेडी थे, वही DB वाले लेके गया था मैं। तो उन्होंने बस जहाँ से देखा, कह रहे हैं कौन से साल की भर्ती, हमने कहा 2020 की, कहा तुम्हारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये तो 2021 का है। मैंने कहा सर यही DB में लिया था और वैसे भी मेरी कैटेगरी SC है, कोई उसमें है नहीं, कह रहे लेकिन यार पिछला वाला होता तो अच्छा रहता। फिर मैंने कहा ठीक है तो अच्छा होता, देखता हूँ शायद निकला है। तो फिर पिछला वाला डॉक्यूमेंट मेरे पड़े हुए थे, तो मैंने फिर नोट निकाल के दिए, तो उन्होंने कहा ठीक है बस हो गया, उसकी फ़ोटो कॉपी ले ली और बस प्रोसेस कर दिया। इस बात कह रहे हैं ठीक है भाई ज्वाइन हो गया, आप चाहो तो घूम सकते हो या फिर अपने रहने आने खाने आने का प्रोग्राम कर लो, जैसा तुम व्यवस्था नहीं हो। तो हम लोग निकल आए उधर से और रूम वूम देखते रहे, तो यहीं पास ही में रूम मिल गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। और इसके बाद फाइनली आज मेरा पहला दिन था और बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो बस उठ के अपना फॉर्मल काम किया और इसके बाद रेडी हुए, खाना वाना बनाया और खाने के बाद निकल गए ऑफिस, पहुंच गए टाइम से, तो साइन इन बनाई, साइन इन बनाने को मिला फाइनली। ठीक है, इसके बाद बस अपना भागा बैठे रहे वो दिरी, सर लोग आए सब लोग, तो आप काफ़ी अच्छे लोग थे, सब लोग बहुत ही इनफॉर्मल मैनर पे, नहीं थे कि ये नहीं थी कोई डांट फटकार वाला, सब लोग बहुत अच्छे लोग थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्टाफ मिला है, ये जान के बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो बस यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया स्टाफ है, सारा दिन अच्छे, पता ही नहीं चला कैसे कट गया। और बस तो काफ़ी रिस्पेक्ट तो नहीं मान सकते, लेकिन अपने बराबर की रिस्पेक्ट वो देते हैं, इतनी नहीं कि आप लोग जो समझते हैं जैसे सुनते हैं,
की क्या कैसी रिस्पेक्ट है, मिलती है कि नहीं मिलती है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। जहाँ तक मेरा जो मेरे साथ हुआ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, तो घबराने की बात नहीं है कि नहीं कोई वैसा काम भी नहीं कराते, लेकिन काम हाँ एक लगा था तो वो चाय भी पिला रहा था, MTSC था, तो हर जैसा काम करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं ना, अभी ये फिंगर नहीं लगा हमारा, जब बायोमेट्रिक होने लगेगी तो तभी काम मिलेगा। तो फिलहाल यही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सुन के, और मुझको तो बहुत अच्छा लगा, आज ज्वाइन कर लिया फाइनली। तो बस यही बात करनी थी, तो आई होप बहुत दिनों बाद वीडियो में, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, जय।